हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इंडिया एस 8 को रिवाइज करेंगे और कंसेप्ट रिवीजन के साथ साथ हम क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे वेरी क्विकली। ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, कोशिश करके हम सारी चीजें आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा कवर करेंगे या फिर उससे भी कम समय में। आइए चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये चार्ट इंडिया एस 8 का नहीं है या फिर जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और अगर आपके पास खुद का भी अपना मटेरियल है, अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हो तो भी आप सुनकर अपना रिवीजन कर सकते हो बिना चार्ट से भी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया एस 8 का नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स एंड एरर्स। कुल मिलाकर इंडिया एस 8 तीन बातों पर फोकस करता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज पर, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स पर और प्रायर पीरियड एरर्स पर या सिंपली एरर्स पर। अब सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी की रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट करनी चाहिए, इसमें मामले में इंडिया एस कोई मैंडेटरी ये नहीं बोलता कि आप यही अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करो। वो तो हमें रिस्पेक्टिव इंडिया एस बताते हैं। जैसे इंडिया एस 16 बताता है कि आप अपनी पीपीई का कॉस्ट मॉडल चूज कर सकते हो या फिर रिवोल्यूशन मॉडल चूज कर सकते हो, पर इनके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे इन्वेंट्री का इंडिया एस 2 बोलता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज चूज कर सकते हो, विच एवर इज लेस करके आप चूज कर सकते हो। तो जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करोगे वो आप रिस्पेक्टिव इंडेस के कंप्लायंस के हिसाब से होना चाहिए और एंटिटी के बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड अगर मान लो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चॉइस दी गई है कि आप ऐसा कर सकते हो वैसा कर सकते हो, जैसे इंडिया 16 में रिवोल्यूशन मॉडल बोला गया था, कॉस्ट मॉडल बोला गया था, तो एंटिटी अपना बेस्ट जजमेंट लगाएगी और उसके हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी को, मटेरियलिटी के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी। बस ये ध्यान रखना है, किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते वक्त आपको यह देखना है कि रेलेवेंट फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर्स। क्या वो जो अकाउंटिंग पॉलिसी हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या उससे यूजर के डिसीजन अफेक्ट हो सकते हैं, क्या वो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है कि नहीं, और वो जो अकाउंटिंग पॉलिसी वो अपने आप में न्यूट्रल है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। इट शुड बी न्यूट्रल, इट शुड बी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब लीगलिटी को मत देखो, सच्चाई को देखो। तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप चूज करोगे वो कंप्लीट होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो मटेरियल होना चाहिए और उसका सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए। तो ये हो गई पहली बात। दूसरा, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रहे हो तो सिमिलर ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करोगे। जैसे आप अगर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट कर रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी दूसरी भी आपके पास होंगी, आपके पास मल्टीपल अलग अलग प्लांट एंड मशीनरीज होंगी, तो इंटायर क्लास ऑफ प्लांट एंड मशीनरीज के ऊपर आप सेम कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करोगे। ये आपको इंडिया 16 भी बोलता है। तो सिमिलर ट्रांजैक्शंस के ऊपर सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। हाँ, अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इंडेस आपको अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट फॉलो करने को कहता है तो एक अलग बात है, नहीं तो सिमिलर ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी गाइस, एक सेकंड, यस चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं? वैसे तो अकाउंटिंग पॉलिसी को पीरियड टू पीरियड कंसिस्टेंट बेसिस पर फॉलो करना चाहिए और प्रेजेंटेशन वाइज हमें सेम फॉलो करना चाहिए, बट फिर भी अगर कोई रेलेवेंट इंड एएस का रिक्वायरमेंट है पॉलिसी चेंज करने का, फॉर एग्जांपल मैं पहले अपने इन्वेंटरी को कॉस्ट पे मेजर करता था, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे नहीं करता था, पर अब मैं इंडेस 2 अडॉप्ट कर चुका हूं तो इंडेस 2 बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो मैं इंडेस की रेलेवेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा हूं, तो यस मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता हूं। तो मैं अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता हूं जब मुझे कोई रेलेवेंट इंडेस का रिक्वायरमेंट हो, या फिर अगर एंटिटी को ऐसा लगता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से मोर रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है यूजर के लिए, मतलब यूजर के लिए ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना यूजर के पर्सपेक्टिव से ये पॉजिटिव रहेगा और यूजर बेटर डिसीजन ले पाएगा, यूजर को बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट में आपको याद होगा एक तीसरा और हुआ करता था, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और स्टैट्यू, जो कि यहां पर नहीं है, यहां पर हट गया है। उसके बाद फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट परमिटेड। ऑफ कोर्स आप फ्रीक्वेंटली बार बार अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते हो, पर हां इन दो चीजों को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहा जाएगा, इन दो चीजों को चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन ट्रांजैक्शंस दैट इज डिफरेंट इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग। मान लो आपने किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया, पर अब जो कोई दूसरा ट्रांजैक्शन हुआ है वो पहले वाले ट्रांजैक्शन से थोड़ा सा अलग लग रहा है। पहले आपको ग्रांट मिला था, आपको ग्रांट कैपिटल नेचर का मिला था, तो आपने उसको डेफर एंड अमोर्टाइज किया पीएनएल में, पर अब जो आपको ग्रांट मिला है वो आपको रेवेन्यू नेचर का ग्रांट मिला है, तो आप उसको पीएनएल में डाल सकते हो, तो दोनों का नेचर अलग अलग है, तो ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं हुआ। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन ट्रांजेक्शन दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली और वर इमटेरियल, या फिर आपको एक नया ही ट्रांजेक्शन आ गया, नए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आ गया, उसके ऊपर आपने कोई दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी, कोई नया अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट किया, तो उसको भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अप्लाइंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अप्लाइंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, जब अपन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करेंगे तो कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब रिट्रोस्पेक्टिव करना है, प्रोस्पेक्टिव करना है, कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो दो जो सिचुएशन है स्टार्टिंग की ये इसमें सिमिलर है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग, व्हेन देयर इज इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ इंडियस देन एज पर द ट्रांजिशन प्रोविजन, व्हेन चेंज इज ड्यू टू न्यू इंडियस देन एज पर द ट्रांजिशनल प्रोविजन ऑफ दैट इंडियस। कुल मिला के अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो बिकॉज यू आर फॉलोइंग एनी न्यू इंडियस, है ना, या फिर आप कोई इंडियस पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो कोई इंडियस अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो या फिर आप कोई इंडियस नया इंडियस अप्लाई कर रहे हो, तो उस इंडियस के ट्रांजिशनल प्रोविजन के हिसाब से आप अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करोगे। ट्रांजिशनल प्रोविजन क्या होते हैं, जैसे इंडियस 16 बोलता है कि जब तुम पीपी की अकाउंटिंग इंडियस 16 के हिसाब से फर्स्ट टाइम करोगे तो तुम्हें रिट्रोस्पेक्टिवली पुराने जो भी तुम्हारे पीपी दिख रहे हैं एज पर द प्रीवियस गैप, तुम्हें उनको रिट्रोस्पेक्टिवली इंडियस 16 लगाना पड़ेगा। तो कुछ इंडियस रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बोलते हैं। तो अगर आप आपके इंडियस में जो भी आप नया इंडियस फॉलो कर रहे हो या फिर जो भी आप पहली बार इंडियस फॉलो कर रहे हो, अगर उसमें उसका ट्रांजिशनल प्रोविजन बताया गया है तो आप उसके ट्रांजिशनल प्रोविजन को फॉलो करोगे। पर हाँ, यहां पर मैंने पहले भी बता चुका हूं इंडियस 101 में कि 101 बीच में आके कृष्ण भगवान की तरह आपको आशीर्वाद देता है और कहता है कि भाई रुक जाओ, अगर तुम्हें तकलीफें हो रही है तो मेरी सुन लो, मैंने कुछ एग्जम्पशंस और एक्सेप्शंस बताए हैं, ठीक है। अब है तीसरा, when the change is due to initial application of Ind AS and there is no transitional provision then retrospective effect। अब मान लीजिए आप किसी नए इंडियस को अडॉप्ट कर रहे हो और आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बदलना पड़ रहा है, या फिर आप किसी इंडियस को पहली बार अडॉप्ट कर रहे हो और आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, आप पहले इन्वेंटरी को वेटेड एवरेज करते थे पर अब आप इन्वेंटरी के ऊपर फीफो कर रहे हो, और इसीलिए क्योंकि अब आप नया इंडियस इंडियस 2 में एंटर हो रहे हो। तो मान लीजिए अगर ऐसा है और आपके इंडियस 2 में कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन के बारे में बताया नहीं गया कि चेंज कैसे करना है, तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट आपको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। मतलब आपको अकाउंटिंग पॉलिसी जब भी आप चेंज करोगे किसी इंडियस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और अगर उस इंडियस में कोई ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं बताया गया तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि आप जिस ईयर में चेंज कर रहे हो उसका कंपैरेटिव ईयर, मतलब पिछले साल का ईयर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ कंपैरेटिव ईयर के बिगिनिंग में आपको एक थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और उसके फिगर्स में भी आपको चेंज करना पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये कि आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करना है, मतलब करंट ईयर में अगर आप चेंज कर रहे हो तो कंपैरेटिव पीरियड्स को भी चेंज करना पड़ेगा और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी अगर मटेरियल चेंजेस हुए हैं तो। अर्ली अडॉप्शन ऑफ इंडियस इज नॉट अ वॉलेंट्री चेंज, हम वॉलेंट्री चेंज की बातें बाद में करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। कुल मिला के अगर आप किसी इंडियस का अर्ली अडॉप्शन कर रहे हो तो उसको वॉलेंट्री चेंज नहीं माना जाएगा। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होता है, व्हेन देयर इज अ रिट्रोस्पेक्टिव चेंज द एंटिटी शैल एडजस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी एंड ओसीआई ऑफ अर्लीएस्ट पीरियड प्रेजेंटेड एज इफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी हैज ऑलवेज बीन अडॉप्टेड। वही जो मैंने अभी आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल ये आपका करंट ईयर है, ये आपका प्रीवियस ईयर है, अगर आप कोई पॉलिसी यहां पर चेंज कर रहे हो तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे देना है, आपको प्रीवियस ईयर में भी उसके कंपैरेटिव फिगर चेंज करने, और यहां पर जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें असेट लाइबिलिटीज इक्विटी इनके वैल्यूज को भी न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से चेंज करना है, और इसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो आप ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में डालोगे। इंडेस 101 में भी आपको ऐसा ही बताया जाता है, तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, मतलब ये कि आप जब कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली अडॉप्ट कर रहे हो तो इस तरीके से करो कि माना जाए कि आप तो वो पहले से ही फॉलो कर रहे थे, ठीक है। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में दो बातें होती हैं, एक तो प्रायर पीरियड के कंपैरेटिव्स में चेंज करना, वैल्यू चेंज करना, और ओपनिंग थर्ड इंडियस बैलेंस शीट बनाना। अब आते हैं लिमिटेशन ऑन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कभी कुछ ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे, हाँ जी, व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल फॉर एंटिटी टू डू सो। हो सकता है एंटिटी के लिए रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, फॉलो नहीं कर पा रही है, वो इम्प्रैक्टिकेबल है, इम्प्रैक्टिकेबल है। एरर्स ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आर नॉट डिटर्मिनेबल, हम अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो एरर कितने अमाउंट से हुए थे जिसको हमें ठीक करना है, हम वो अमाउंट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट रिक्वायर्स अजम्पशंस ऑफ मैनेजमेंट इंटेंशन, उसमें कुछ अजम्पशंस लगेंगे और कुछ वेग अजम्पशंस आ रहे हैं, अजम्पशंस फुल प्रूफ नहीं है। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट रिक्वायर्स एस्टीमेट एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, कुछ एस्टीमेट्स लगने पड़ेंगे और एस्टीमेट हम नहीं ले पा रहे। तो कुल मिला के व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, इम्प्रैक्टिकेबल टू अप्लाई रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, फिर आप अपना ये फैक्ट डिस्क्लोज करके आप रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन छोड़ सकते हो। व्हेन देयर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स टू बी गिवन, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो तो क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, टाइटल ऑफ इंडियस, आपने कौन से नए इंडियस के हिसाब से चेंज किया है, वेदर द चेंज इज ड्यू टू ट्रांजिशन प्रोविजन, क्या किसी इंडियस के ट्रांजिशनल प्रोविजन के हिसाब से चेंज है। ट्रांजिशनल प्रोविजन से याद आया, इंडियस 116 लीजेस में भी ट्रांजिशनल प्रोविजन करके सिखाया जाता है आपको कि अगर आप इंडियस 116 फर्स्ट टाइम अडॉप्ट कर रहे हो तो उसके ट्रांजिशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपको लेसर लेसी को अपनी बुक्स में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर नेचर ऑफ चेंज, आपने किस टाइप का चेंज किया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजिशनल प्रोविजन,
whether transition provision will affect future period, effect on current period and prior periods, amount relating to the prior period. तो कुल मिला के क्या क्या impact आएगा आपके future periods पर, current period पर, आपके net profit पर कितना असर पड़ा, ये आपको सब disclose करना पड़ेगा. So this was all about change in accounting policy. अब बात करते हैं change in accounting estimate. Change in accounting estimate, change in accounting policy से बिल्कुल अलग होता है. जहां change in accounting policy का आप retrospective adjustment करते हो, वहीं change in accounting estimate का आपको prospective effect देना पड़ता है. क्या effect देना पड़ता है, ठीक है ना, आपको देना पड़ता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. मतलब आपको पिछले सालों में, पिछले कंपैरेटिव में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, करंट ईयर से ही आप चेंज कर सकते हो. अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब आपने प्रीवियसली कोई एस्टीमेट्स लिए थे बेस्ड ऑन द प्रीवियस सर्कमस्टांसेस. अब वो सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, जैसे आपने पहले यूजफुल लाइफ एस्टीमेट की थी पर अब यूजफुल लाइफ चेंज हो, आप री एस्टीमेट कर रहे हो, आप स्क्रैप वैल्यू री एस्टीमेट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट. डेप्रिसिएशन का अगर मेथड चेंज कर रहे हो तो उसको भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहते हैं. तो अगर आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसका भी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ही कहते हैं. उसके अलावा वेदर चेंज इन एस्टीमेट कैन बी ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड आइटम, नो. चेंज इन एस्टीमेट को आप प्रायर पीरियड आइटम नहीं बोलोगे, कि ये बेसिस पर कि आपने पिछले पीरियड में कोई दूसरा एस्टीमेट लिया था, इस बार आपका एस्टीमेट चेंज हो गया, ये कोई आपका प्रायर पीरियड आइटम नहीं है. चेंज इन एस्टीमेट इज नॉट एन एरर. अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज करना मतलब एरर नहीं होता. When it is difficult to bifurcate between change in accounting estimate or change in accounting policy, then treat it as change in accounting estimate. अगर आपको difficult हो रहा है ये identify करना कि जो change हुआ है वो change in accounting policy है या फिर change in accounting estimate है, तो ऐसे केस में आप उसको change in accounting estimate मानोगे और prospective effect करोगे. डिस्क्लोजर एंड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, नेचर एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंज इन करंट पीरियड एंड फ्यूचर पीरियड. चेंज का इफेक्ट आपके करंट पीरियड में प्रॉफिट में कितना पड़ा और फ्यूचर के पीरियड में कितना पड़ेगा. अगर ये इम्प्रैक्टिकेबल है आपके लिए क्वांटिफाई करना, तो आपको फैक्ट बताना पड़ेगा कि वी आर अनेबल टू क्वांटिफाई. ठीक है, अब आते हैं एरर पर. एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. एरर दो टाइप के होते हैं, एक तो करंट पीरियड के एरर आपको करंट पीरियड में ही मालूम पड़ जाए, या फिर आपको एट मैक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप्रूव होने से पहले पहले पता चल जाए, तो भी आप उसको सेम पीरियड में, करंट पीरियड में आप उसको चेंज कर सकते हो. दूसरे होते हैं प्रायर पीरियड एरर्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो चुके हैं और नेक्स्ट ईयर अब आपको एरर का पता चल रहा है, तो अगर आपके करंट पीरियड के एरर्स करंट ईयर में मालूम पड़ रहे हैं तो आप उसको करंट ईयर में ही चेंजेस कर ठीक कर लो, फिर आपको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, तो यहां पर नो नीड फॉर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन. पर अगर आपको कोई प्रायर पीरियड एरर नेक्स्ट ईयर में फाइंड आउट हो रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में फाइंड आउट हो रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, करेक्ट दीज एरर्स एंड कंपैरेटिव्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. मतलब सेम टू सेम आपको अकाउंटिंग पॉलिसी में जो चेंजेस करने के बाद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ता है, आपको वो करना पड़ेगा. तो अगर मान लीजिए कोई प्रायर पीरियड एरर फाइंड आउट हुआ, तो आपको पिछले कंपैरेटिव को भी चेंज करना पड़ेगा. सर कितने साल के कंपैरेटिव, सिर्फ जितने भी कंपैरेटिव्स आप प्रेजेंट करते हो, आमतौर पर एंटिटी सिर्फ वन ईयर का कंपैरेटिव प्रेजेंट करती है, तो आपको सिर्फ वन ईयर के कंपैरेटिव में चेंजेस करना पड़ेगा. सर हमें ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, द आंसर इज येस, ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी अगर वो चेंज आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मटेरियली अफेक्ट कर रहा है. तो आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि वो कहां कहां करना पड़ता है. तो इसका सेम ट्रीटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह होता है. अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हुआ तो रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगा, वैसे ही एरर अगर आपको फाइंड आउट हुए प्रायर पीरियड से तो रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगा. लिमिटेशन ऑन रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट सेम एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. अगर रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करने में आपको अगर तकलीफ आ रही है क्योंकि आपके लिए इम्प्रैक्टिकेबल है, फिर आप भले मत करो, सेम अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह. डिस्क्लोजर ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स, प्रायर पीरियड अगर एरर्स को आपने करेक्ट किया है तो क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नेचर ऑफ एरर क्या था, कौन से आइटम के ऊपर एरर हुआ था, इनकम एक्सपेंस असेट लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ करेक्शन, करेक्शन जब किया तो कितने अमाउंट से इफेक्ट हुआ, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ करेक्शन फॉर बिगिनिंग ऑफ द प्रायर पीरियड, करेक्शन आपने पिछले साल में कितना किया. इफ रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल देन रीजन फॉर द सेम, अगर आप रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर पा रहे तो उसका क्या रीजन है. तो ये आपको सारी की सारी बातें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी. तो हमने ये कुल मिला के इन डेज 8 को जल्दी से जल्दी रिवाइज किया. अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा. डिस्कशन वुड बी फास्ट ऑन द फास्ट ट्रैक मोड, ऑन द क्विक मोड. और डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कुल मिला के लगभग 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चंस के बगल में सारे के सारे क्यूआर कोड आपको दिख जाएंगे. एक आध क्वेश्चन में आपको क्यूआर कोड नहीं दिखेगा. तो अगर आपको डिटेल में इसका डिस्कशन चाहिए किसी वीडियो का, तो आप क्यूआर को स्कैन कर सकते हो. ये पर्टिकुलर फाइल आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी. अभी मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन तो नहीं करूंगा, बट मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने इनिशियली पीपीई में क्लासिफाई किया था, इंडिया 16 फॉलो किया था, बाद में उनका पर्पस चेंज हो गया. मान लो उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग थी, उन्होंने पहले फैक्ट्री में यूज करते थे, तो उन्होंने उसको क्लासिफाई किया पीपीई में, अब उनका पर्पस चेंज हो गया, अब वो लैंड एंड बिल्डिंग को अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हैं, अब उन्होंने उसको किसी को रेंट पे दे दिया और रेंटल उनका मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. मतलब अब उनका पर्पस चेंज हो गया, तो अब इंडिया चेंज हो रहा है, इंडिया 40 आ रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रहा है. तो ये बोल रहा है कि पहले मैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर पीपीई लगा रहा था, अब मैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगा रहा हूं क्योंकि मेरा पर्पस चेंज हो गया, तो क्या मैं इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोल सकता हूं क्या? तो सीधा सीधा देखिए क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग एज आइटम ऑफ पीपी और एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस। मतलब कि आपने पहले पीपी करा था, अब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर रहे हो, तो क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी था? नहीं, ये तो पर्पस के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना होता है ना। मतलब आप पहले लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर पीपी लगा रहे थे क्योंकि आपका पर्पस कुछ और था, अब आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगा रहे हो, आपका पर्पस कुछ और है। तो ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती कि भाई मैं लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर इंडिया 40 लगाऊं या इंडिया 16 लगाऊं, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना। इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी। सो अकॉर्डिंगली अ चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पीपी टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू चेंज इन द पर्पस for which it is held is not a change in accounting policy। तो अगर आप PP से investment property से PP, investment property से inventory अगर ये सब कर रहे हो, तो ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका purpose, आपका utility change हुआ है, और utility change होने को accounting policy change नहीं कहते हैं। तो आप यहां पर अपनी तरफ से अपनी खुद की summary बना सकते हो कि अगर आपका change in purpose हुआ है तो it is not a change in accounting policy, not a change in accounting policy। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आप मान लीजिए अपनी फंक्शनल करेंसी में चेंजेस कर रहे हो, किस में चेंजेस कर रहे हो? फंक्शनल करेंसी, तो क्या उसको हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलेंगे? तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंगली वंस डिटरमाइंड, अगर एक बार आप फंक्शनल करेंसी डिटरमाइन कर लो, तो फंक्शनल करेंसी भी तो इंडिया 21 कहता है कि वो तो आप डिसाइड करते हो कि आपका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कौन सा है, जिस एनवायरनमेंट से आप प्राइमरली बेसिस पर रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो आप फंक्शनल करेंसी डिसाइड करते हो आपके प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बेसिस पर। तो अगर आपका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो आप अपनी फंक्शनल करेंसी चेंज कर सकते हो और उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं कहा जाएगा। सो तो फंक्शनल करेंसी इज नॉट चेंज अनलेस देयर इज अ चेंज इन दोज अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस। एक बार फंक्शनल करेंसी आपकी डिसाइड हो गई, उसके बाद आपकी कब तक कभी भी फंक्शनल करेंसी चेंज नहीं करोगे जब तक आपके प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ना चेंज हो जाए। दस फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, फंक्शनल करेंसी इज नॉट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये क्या हमने लिखा, फंक्शनल करेंसी चॉइस, ये पहली बात तो चॉइस से होता ही नहीं है, इज नॉट अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का मैटर नहीं है। चेंज इन फंक्शनल करेंसी ऑफ एंटिटी डज नॉट रिप्रेजेंट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इंडिया सेट देयरफॉर डज नॉट अप्लाई, और आपको जो भी करना पड़ेगा वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करना पड़ेगा। बट यहां पर चेंज इन फंक्शनल करेंसी के साथ साथ इंडिया 21 भी बोलता है कि अगर आपने फंक्शनल करेंसी चेंज किया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी चेंज हो रही होगी, और प्रेजेंटेशन अगर करेंसी चेंज हो रही होगी तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा, बिकॉज दैट प्रेजेंट चेंज इन प्रेजेंटेशन करेंसी विल बी ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ध्यान रखिएगा, बट चेंज इन प्रेजेंटेशन करेंसी विल बी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, और आपको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, एन एंटिटी चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल। आप रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल में जा रहे हो, बिल्कुल ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम रिवैल्यूएशन मॉडल टू कॉस्ट मॉडल इज कंसीडर्ड परमिसिबल, इट शैल बी अकाउंटेड रिट्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिवली। पहली बात तो इंडिया 16 ही आपको अलाउ करता है कि आप चेंज कर सकते हो, इंडिया 8 भी अलाउ करता है, और ये इसका आपको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ खास नहीं है, ये आप अपने हिसाब से इसका पॉइंट पढ़ लीजिएगा। इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर्मूला इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। अगर आप अपना इन्वेंट्री का कॉस्ट फॉर्मूला चेंज कर रहे हो, तो आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ, द आंसर इज येस। पहले आप फीफो कर रहे थे, अब आप वेटेड एवरेज कर रहे हो, तो इन्वेंट्री चेंज कॉस्ट फॉर्मूला इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो क्या लिखा मैंने, चेंज इन इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर्मूला इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, द रीक्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम नॉन करंट टू करंट। पहले क्या था, आप एक मटेरियल लाइबिलिटी को नॉन करंट दिखा रहे थे, पहले आप मटेरियल लाइबिलिटी को नॉन करंट दिखा रहे थे, बाद में आपको रियलाइज हुआ कि यार नहीं यार, ये लाइबिलिटी आपकी करंट दिखनी चाहिए, दिस लाइबिलिटी शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट। मतलब इसको पहले से ही आपको करंट दिखाना चाहिए था, गलती हो गई आपकी, इसको आपको करंट दिखाना चाहिए था। तो रीक्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी फ्रॉम करंट टू नॉन करंट इन द कंपेरेटिव अमाउंट भी कंसिडर्ड, क्या इसको मैं एरर मानूंगा? अगर हाँ तो एरर मानूंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो पहली बात तो जो लाइबिलिटी आपको पहले करंट दिखानी चाहिए थी, आपने उसको नॉन करंट दिखाया, अब आपको रियलाइज हुआ कि वो तो करंट दिखनी चाहिए थी, तो क्या ये प्रायर पीरियड एरर है? बिल्कुल, क्योंकि करंट पीरियड एरर को हमें करंट ईयर में मालूम पड़ जाता है, पर लास्ट ईयर का एरर आपको करंट ईयर में मालूम पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये प्रायर पीरियड एरर है। तो डेफिनेटली येस, अगर क्लासिफिकेशन गलत हुआ है, चेंज इन क्लासिफिकेशन फ्रॉम करंट टू नॉन करंट और नॉन करंट टू करंट, चेंज इन क्लासिफिकेशन मतलब ये नहीं कि आप डेलिबरेटली चेंज कर रहे हो, बेसिकली आपको ये रियलाइज हुआ कि पहले वो क्लासिफिकेशन गलत
अडॉप्ट हो गया था, रॉन्ग क्लासिफिकेशन, तो रॉन्ग क्लासिफिकेशन को एरर बोला जाता है, अप्लाइंग रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ असेट लाइबिलिटी, मतलब करंट नॉन करंट इज एरर, और ये एरर होता है। और अगर कोई एरर है तो आपको पता है कि आपको रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको थर्ड बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। द रीक्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी फ्रॉम नॉन करंट टू करंट वुड बी कंसीडर्ड एज करेक्शन ऑफ एन एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12। कंपैरेटिव अमाउंट्स ऑफ 11 वुड बी रीस्टेटेड। आपको एक तो कंपैरेटिव अमाउंट रीस्टेट करना पड़ेगा, मतलब पिछले साल के कंपैरेटिव आपको करंट में लाने पड़ेंगे, जबकि पिछले साल आपने उसको नॉन करंट कर दिया था। साथ ही साथ द एंटिटी शुड प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट, मतलब ओपनिंग इंडियस बैलेंस शीट ऑफ द प्रायर पीरियड, ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द प्रायर पीरियड, आपको थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट में भी इसका करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन आ रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। चलिए उसके बाद बेटा, जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, ये आप QR कोड से कर सकते हो। मैंने पूरा आपको ये वाला इंडिया सेट का शीट दिया हुआ है। उसके बाद इस चेंज इन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज करना इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट और हेंस उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। उसके बाद एंटिटी चार्ज्ड ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एज फाइनेंस कॉस्ट इन द ईयर 31/11 मैनेजमेंट डिस्कवर्ड दैट दीज एक्सपेंसेस शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज अदर एक्सपेंस। सेम आपका करंट नॉन करंट वाले क्वेश्चन की तरह हो गया कि यहां पर आपने आइडेंटिफाई किया कि आपको नॉन करंट में डाल दिया जबकि करंट में डालना था वो आइटम पिछले साल, अब आपको लग रहा है कि मुझे करेक्शन करना है। वैसे ही यहां पर एक एक्सपेंस का आइटम है जिसको आपने गलती से फाइनेंस में डाल दिया, आपको उसको अदर कॉस्ट में डालना था, ठीक है ना? अब आप क्या करोगे? क्या ये एरर है? बिल्कुल, ये प्रायर पीरियड एरर है, इसका करेक्शन होना करंट ईयर में जरूरी है। आपको प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव्स में भी चेंज करना पड़ेगा। कंपैरेटिव में वो आपने एक्सपेंस फाइनेंस में दिखाया था, अब आपको अदर में दिखाना पड़ेगा। बट क्या आपको ओपनिंग इंडियस बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? द आंसर इज नो। क्यों? सुनो, इंडियस रिक्वायर्स एंटिटी टू प्रेजेंट अ थर्ड बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना? इट ओपनिंग बैलेंस शीट इट मेक्स अ रिट्रोस्पेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रीस्टेटमेंट हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट। ओपनिंग इंडियस बैलेंस शीट तब बनानी पड़ती है जब आप रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर रहे हो, प्लस वो रीस्टेटमेंट करने से आपका मटेरियल इंपैक्ट आएगा ओपनिंग फिगर्स के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस को तुमने पिछले साल फाइनेंस में डाल दिया जबकि अदर में डालना था, बेटा क्लासिफिकेशन तो चेंज कर लिया पर उसका इफेक्ट तुम्हारे ओपनिंग आइटम्स पे पड़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओपनिंग आइटम्स पे पढ़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंस इनकम के आइटम्स थे। जहां भी डालो अल्टीमेटली तो वो तुम्हारी इक्विटी पर असर कर गया ना, और वो सही असर किया। तो यहां पर ओपनिंग इंडिया बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ऊपर हमें नॉन करंट वाले में बनाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि वो आपके असेट लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन पर इफेक्ट कर रहा था ओपनिंग में, ठीक है? आगे उसके बाद एक प्रोविजन बनाना चाहिए था मुझे पिछले साल, प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मुझे बनाना चाहिए था, विच वॉज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज, पर मैंने उसको नहीं बनाया पिछले साल। और मुझे अभी याद आ रहा है कि ओहो मुझे उसको प्रोविजन बनाना था पर मैंने बनाया ही नहीं, मुझे बोनस देना था अपने एम्प्लॉइज को। कोई बात नहीं, अब मैंने जब नहीं बनाया तो मैं उसको अभी पे कर देता हूं। मैंने उसको बोनस को अभी पे कर दिया और मैंने उसको बोनस को अभी एक्सपेंस बुक कर लिया जबकि मुझे एक्सपेंस पिछले साल बुक करना था और पेबल दिखाना था। क्या ये एरर है? बिल्कुल ये एरर है और इसका करेक्शन लगेगा। ये एक मटेरियल एरर है और कहीं ना कहीं ये मटेरियल एरर कभी कभार ऐसा होता है कि आपको नेक्स्ट ईयर मालूम पड़ते हैं, तो ये मटेरियल एरर है। डेफिनेटली आपको कंपैरेटिव फिगर्स को रीस्टेट करना पड़ेगा और आपको ओपनिंग इंडियस बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो पहले प्रोविजन नहीं बनाया, प्रोविजन बनाना था, ये एरर होता है। आई बात समझ में? दूसरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप डेप्रिशिएट करना भूल गए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट करना भूल गए। भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भले आप इंडिया 40 में फॉलो करते हो पर आपको डेप्रिशिएशन लगाना पड़ता है, अब आप डेप्रिशिएशन करना भूल गए। क्या ये एरर है? बिल्कुल ये एरर है, इसका रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट होगा और साथ ही साथ आपकी ओपनिंग इंडिया बैलेंस शीट भी जाएगी क्योंकि असेट अमाउंट है, असेट आपके ओपनिंग बैलेंस शीट के फिगर्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है? ये वाले जो कैलकुलेशन आइटम्स हैं ये आप बिल्कुल क्वेश्चंस आप अपने QR कोड से कर सकते हो, ठीक है? ये भी सिंपल है, इसमें बस ये पूछ रहा है एंटिटी पहले बिजनेस का स्टार्ट किया था उसने जुलाई 2005 में, छोटा सा बिजनेस था और कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो नहीं लगा रही थी अपने इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए। आगे चल के एंटिटी बहुत बड़ी हो गई और उसने डिसाइड किया कि अब वो इंडेस 2 लगाएंगे, डिसाइड किया कि ब्लू 2 लगाएंगे। ये लिखा नहीं है कि उनके ऊपर इंडेस का कंप्लायंस होना जरूरी है, इसका मतलब वो वॉलेंट्री एप्लीकेशन भी हो सकता है, ठीक है? तो इट डिसाइडेड टू फॉलो द वेटेड एवरेज। पहले वो कुछ और मेथड लगा रही थी, अब वो वेटेड एवरेज लगाएगी एज पर इंडेस 2। शेल द इन्वेंटरी शेल एंटिटी डू सच इन्वेंटरी वैल्यूएशन रिट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली। अगर आप वॉलेंट्री एप्लीकेशन ऑफ इंडेस करते हो तो ऐसे केस में आपको पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी रिट्रोस्पेक्टिवली। तो अगर आप क्या बोला मैंने अगर आपका अप्लाइंग वॉलेंट्री एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और इंडेस
इसमें आपको रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, और जब भी रिट्रोस्पेक्टिव आए तो आपको पिछले बहुत सारे सालों में जाने की जरूरत नहीं है, कंपैरेटिव पीरियड के बिगिनिंग से, ट्रांजिशन डेट मान लो जो अपने अपन ने सीखा है इंड एस 101 में, ठीक है, तो आपको ये वॉलंटरी माना जाएगा, ठीक है। व्हेन द एंटिटी अप्लाइज अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली, इट अप्लाइज द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू कंपैरेटिव पीरियड्स फॉर द प्रायर पीरियड एज फार एज बैक एज इज प्रैक्टिकेबल, जितना पीछे जा सको, मोस्टली आप इतना पीछे नहीं जा सकते, तो इसलिए आपको सिर्फ कंपैरेटिव के बिगनिंग से जाना पड़ता है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके हो जाएगा, ये सारे क्यूआर कोड वाले हैं, अमाउंट रिलेटेड है। हाँ, एन एंटिटी डेवलप्ड वन ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी बाय कंसीडरिंग अ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ओवरसीज नेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 8, वुड इट बी परमिसेबल फॉर द एंटिटी टू चेंज द सेट पॉलिसी टू रिफ्लेक्ट द सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट। मान लीजिए एंटिटी ने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रेम किया क्योंकि उनको रिस्पेक्टिव इंड एस से ज्यादा गाइडेंस नहीं मिल रहा और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से गाइडेंस नहीं मिलता, तो इंडिया सेट यही बोलता है कि अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलता है तो आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स को भी कंसीडर कर सकते हो, मतलब आईएफआरएस वगैरह को कंसीडर कर सकते हो। अगर तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरनेशनल प्रोनाउंसमेंट्स के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी बना ली। अब आगे चल के उन इंटरनेशनल प्रोनाउंसमेंट्स में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए, तो वो अमेंडमेंट्स क्या एंटिटी को फॉलो करने चाहिए और उसको क्या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा। तो इफ फॉलोइंग एन अमेंडमेंट ऑफ सच प्रोनाउंसमेंट द एंटिटी चूजेस टू चेंज एन अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इज अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज एज वॉलेंट्री चेंज, और वॉलेंट्री चेंज जब होता है तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करना पड़ता है। तो कुल मिला के जब आप इंटरनेशनल प्रोनाउंसमेंट्स के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप कर रहे हो और अगर उसमें कोई अमेंडमेंट्स हुआ है और आप उन अमेंडमेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाएगा और आपको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना पड़ेगा। Whether change in recognizing revenue is a change in accounting policy as per the provisions of India's. अच्छा, ये कंपनी है जो कारपेट सेल करती है और फिट करके देती है, ठीक है। इट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू वेन द कारपेट इज फिटेड विच ऑन एन एवरेज इज 6 weeks आफ्टर द परचेज ऑफ कारपेट। आज मैंने कारपेट बेचा, फिट होते होते 6 weeks लग जाएंगे और जब तक फिट नहीं होगा तब तक मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। पर अब कंपनी ने अपना बिजनेस चेंज कर दिया, अब कंपनी सिर्फ कारपेट बेचती है और वो सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती है, बोलती है कि तू फिट करके दे इनको, मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू इनको फिट करके दे। तो अब इनका थोड़ा सा मॉडल चेंज हो गया, तो क्या अब ये अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज भी चेंज कर रहे हैं। अब जैसे ही ये सेल कर देते हैं अपना रेवेन्यू बुक कर लेते हैं, पहले वो 6 weeks बात करते थे, तो क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ? नहीं, दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज द कारपेट रिटेलर हैज चेंज द वे दैट कारपेट्स आर फिटेड, देयरफॉर देयर वुड बी नो नीड टू रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज द प्रायर पीरियड। तो यहां पर हम बोलेंगे चेंज इन बिजनेस मॉडल इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आपके बिजनेस मॉडल में चेंज हुआ है, आपका बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए गाइस, बाकी क्वेश्चंस भी आपके सेम वैसे ही हैं, कर लीजिएगा। ये वाले क्यूआर कोड वाले रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसमें क्या है, हाँ, एक डिफेक्ट पाया गया इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में, और वो डिफेक्ट रीजनेबल या कस्टमरी इंस्पेक्शन करने पर भी डिटेक्ट नहीं हो सकता। द डिफेक्ट विच वॉज नॉट डिस्कवरेबल बाय रीजनेबल और कस्टमरी इंस्पेक्शन, पॉसिबल ही नहीं है, वो बाद में ही पता लगा हमें। द डिफेक्ट वॉज नीदर नोन और रीजनेबली पॉसिबल टू डिटेक्ट ऑन 31 मार्च और बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर अप्रूव्ड, हेंस ₹1 lakh अंडर स्टेटमेंट ऑफ वारंटी प्रोविजंस एंड 2 lakh ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट अ प्रायर पीरियड एरर। अब हुआ क्या है कि ऐसा डिफेक्ट जो पहले पॉसिबल ही नहीं है कि वो डिटेक्ट हो पाता, वो बाद में ही डिटेक्ट हुआ है, तो इसको हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते हुए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करेंगे। अगर वही ना, इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको उस टाइम पर, आपको पता चलता वो कई बार भाई वो कुछ एस्टिमेट्स के कारण चेंज हुआ है, तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होगा। मैं आपको बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ के जाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस है, एमटीपी मई 23 में आया है ये क्वेश्चन, सॉरी आरटीपी मई 23 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइस, दैट वॉज इंड एस 8। आई होप आपको ये इंड एस 8 बहुत अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो कमेंट में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और पूरा रिविजन वीडियोज ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, साथ ही साथ अपकमिंग डेज में मैराथन रिविजन भी आ रहे हैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स के, 23 अप्रैल से हम मैराथन रिविजन भी शुरू कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट में फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द वेरी बेस्ट।